नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन सबके बीच अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 50% तक गिर गया है। वहीं इसराइल ने दावा किया कि उसकी वैक्सीन एक नए तरीके से कोरोना वायरस को खत्म करेगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे चीन में सामने आए उस नए वायरस की जिसने अभी तक 7 लोगों की जान ले ली। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, अनोखे तरीके से वायरस को मारेगी इजरायली वैक्सीन। दोस्तों, इजरायल ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। साथ ही इजरायल का दावा है कि उनकी वैक्सीन अलग तरीके से कोरोना वायरस को खत्म करेगी। दोस्तों, इजरायल के रक्षा मंत्री के मुताबिक लैब में बनाई गई एंटीबॉडी वैक्सीन मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। रक्षा मंत्री के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक इस एंटीबॉडी वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब इसको पेटेंट कराने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके बाद इंस्टीट्यूट इसकी खुराक तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क साधेगी। इसराइल की इस वैक्सीन को बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये लैब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत काम करती है। नंबर 2, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के डोज बनाएगी चीनी कंपनी। दोस्तों, दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की कई वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन रेस में आगे भी चल रही है। अब एस्ट्राजेनेका ने चीन की एक फार्मा कंपनी के साथ वैक्सीन के डोज बनाने का करार किया है। शेंजेन काकताई चीन की बड़ी दवा निर्माता कंपनियों में से एक है। डील के मुताबिक चीनी फार्मा कंपनी वैक्सीन के सालाना 100 मिलियन डोज बनाएगी। दरअसल कोरोना वैक्सीन की डील को लेकर चीन की दुनिया के कई देशों से बातचीत चल रही थी। फिलहाल दुनिया भर में 26 वैक्सीन निर्माण प्रोजेक्ट्स के तहत ह्यूमन टेस्टिंग जारी है। इनमें से 8 चीनी वेंचर्स ही हैं। वहीं एस्ट्राजेनेका ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से भी वैक्सीन के डोज बनाने का करार किया है। नंबर 3, आरटीपीसीआर की तुलना में बेहतर है इजरायली तकनीक। दोस्तों, लंबे समय तक संक्रमण के खतरे को देखते हुए कोरोना की नई और आसान जांच शुरू करने के लिए दिल्ली में 10,022 लोगों के सैंपल लेकर शोध किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस शोध का मकसद सांस के जरिए फूंक मारकर कोरोना की सटीक जांच तैयार करना और आवाज से भी कोरोना के संदिग्धों का पता लगाना है। इजराइल के सहयोग से भारत के डीआरडीओ की तरफ से दिल्ली के 3 अलग अलग अस्पतालों में मरीजों के सैंपल लेकर ये शोध किया जा रहा है। आरटीपीसीआर की तुलना में ये तकनीक ज्यादा असरदार है। कोरोना के लिए अभी तक आरटीपीसीआर जांच को ही सबसे सटीक माना जाता है, लेकिन इजराइल की 4 नई जांच वाली तकनीक कोरोना का पता लगाने में ज्यादा सटीक मानी जा रही है। इसकी जांच के नतीजे इसी महीने आने वाले हैं। नंबर 4, दिल्ली में 50% कम हुई मृत्यु दर। दोस्तों, कोरोना का कहर देख चुकी दिल्ली अब इससे बाहर निकलती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार तो कम हुई है, साथ में मौतों का आंकड़ा भी कम हो रहा है। दिल्ली में इस महीने के पहले हफ्ते मृत्यु दर घटकर महज 1.5% रह गई है, जो जून महीने के मुकाबले आधी है। अब संक्रमण से रोजाना औसतन 18 लोगों की मौत हो रही है। जून में ये आंकड़ा 74 और जुलाई में 40 का था। सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों से मौत की संख्या कम हो रही है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच संक्रमण के 8,000 मामले आए और 120 लोगों की मौत हुई। इस हिसाब से देखें तो मृत्यु दर 1.5% रही। नंबर 5, नोएडा को मिला नया कोविड अस्पताल। दोस्तों, यूपी में जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है उससे अस्पतालों में बेड्स की संख्या कम पड़ रही है और इस कमी को दूर करने के लिए नोएडा में एक 400 बेड वाला अस्पताल शुरू किया गया है। सीएम योगी ने इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। कोविड अस्पताल में कोरोना के अलावा सीटी स्कैन और डायलिसिस यूनिट की भी सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए लखनऊ सीएमओ और सीएस के स्तर से चिकित्सकों का गठन कर काम पर लगा दिया गया है। फिलहाल यहां पर सिर्फ 167 बेडों पर ही कोरोना का इलाज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जरूरत अनुसार बिस्तरों की संख्या में इजाफा होगा और इस अस्पताल में 400 बेड्स की व्यवस्था हो सकती है। नंबर 6, शोध में सामने आया कोरोना का अजीब लक्षण। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 1,90,00,000 के पार पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिक इस वायरस के पेचीदा लक्षणों को गहराई से समझने पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी कड़ी में शोधकर्ताओं को कोरोना के एक और अजीब लक्षण का पता चला है। अमेरिकन जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में कोरोना संक्रमित शख्स को हिचकियां आना भी एक लक्षण माना गया है।
अमेरिका के कुक काउंटी हेल्थ की डॉक्टर्स ने एक 62 साल के व्यक्ति के केस रिपोर्ट को विस्तार से बताया है, जो 4 दिनों तक लगातार हिचकी से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ था। लगातार हिचकी के कारण को समझने के लिए डॉक्टर्स ने एक्सरे करवाया, जिसमें उन्हें दोनों फेफड़ों में असामान्य कांच जैसी पारदर्शिता दिखी। बाद में जांच कराने पर वो शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। नंबर 7, ब्लड टेस्ट बताएगा कोरोना से जान का कितना खतरा। दोस्तों, कोरोना जितनी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, उतनी तेजी से वैज्ञानिक ये पता लगाने में लगे हैं कि आखिर कोरोना से लोगों को कैसे बचाया जाए। दोस्तों, इसी कड़ी में अमेरिका की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की शोधकर्ताओं ने 5 ऐसे बायोमार्कर तलाश किए हैं जिनका सीधा संबंध कोरोना के मरीजों की मौत से है। ये बायोमार्कर मरीज के खून में होते हैं, जो चिकित्सा संकेतक का काम करते हैं, इसलिए ब्लड टेस्ट के जरिए मरीजों पर मौत के खतरे का पता लगाया जा सकता है। ये शोध फ्यूचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इस शोध से डॉक्टर्स को अमेरिका में कोरोना मरीजों की स्थिति का सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। शोधकर्ताओं ने कोरोना से संक्रमित 299 मरीजों पर यह अध्ययन किया है। ये सभी मरीज 12 मार्च से 9 मई 2020 के बीच जॉर्ज वॉशिंगटन अस्पताल में भर्ती किए गए थे। नंबर 8, चीन में आया कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस। दोस्तों, अभी तक दुनिया वुहान से निकले कोरोना वायरस से उबर भी नहीं पाई है कि चीन में एक नए वायरस ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। दोस्तों, इस वायरस के चलते चीन में 7 लोगों की जान जा चुकी है, तो 67 और लोग इससे संक्रमित मिले हैं। चीन में मिला ये वायरस जल्द ही इंसान से इंसान में फैलने और संक्रमित करने की ताकत हासिल कर सकता है। 6 अगस्त तक इस वायरस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है और 7 लोगों की जान ले चुका है। इस वायरस को चीनी मीडिया SFTS नाम दे रही है। ये वायरस पशुओं में मिलने वाले कीड़ों के काटने से फैल रहा है, जो जानवरों का खून चूस कर खुद को जिंदा रखते हैं। चीनी मीडिया की माने तो इस बात की बड़ी संभावना है कि ये वायरस जल्द ही इंसान से इंसान में फैलने की ताकत हासिल कर लेगा।